हेलो नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान कॉलेज से पढ़ाकर लौट रही प्रोफेसर की स्कूटी को एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने भिड़ंत कर दी थी। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना की सूचना के बाद कॉलेज सहित पूरे परिवार में गम का माहौल बन गया है और यह भी बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं के आंसू तक भी नहीं रोक पा रहे हैं। यह पूरा मामला पंजाब के फिरोजपुर से निकल कर आ रहा है। फिरोजपुर शहर स्थित गुरु नानक देव कॉलेज में कॉमर्स की प्रोफेसर 32 वर्षीय नवनीत कौर आज पढ़ाने के बाद स्कूटी पर घर लौट रही थी। कोसु बेंगो के नजदीक लापरवाही के चलते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने ही स्कूटी को भिड़ंत कर दी थी। मृतका के भाई गगनदीप सिंह बेंगोसार ने बताया कि उनकी बहन गुरु नानक देव कॉलेज में पिछले 7 साल से पढ़ा रही थी। उसकी शादी भी तय हुई थी और अगले 3-4 महीने में होने वाली थी। इस घटना के दौरान पारिवारिक नुकसान तो हुआ ही है और साथ में समाज के एक कुशल शिक्षिका को भी खो दिया है। कहा है कि उनकी बहन शुरू से ही पढ़ने में अव्वल थी और वह हमेशा शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज में बदलाव बनाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे परिवार सहित पूरे कॉलेज में गम का माहौल बन हुआ है और इस मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पीएम की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर